हेलो एवरीवन, मैं हूँ शबनम और आपका मेरे चैनल जग जायका में इस्तकबाल है। आज मैं आपके लाई हूँ मटन निहारी की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। मटन निहारी की जो मैं रेसिपी लाई हूँ वो घर के बने मसाले से लाई हूँ, मैंने कोई मसाले वाला पैकेट इस्तेमाल नहीं किया है। चलिए सबसे पहले हम निहारी मसाला बना लेते हैं। चलिए देख लेते हैं हमें निहारी मसाला बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए। यह मैंने 2 तेज पत्ते लिए हैं, लाल मिर्च ली है मैंने यहाँ पर 10 लगभग, 1 टीस्पून जीरा लिया है और 1 सिनेमन स्टिक ली है जो लगभग 2 इंच का टुकड़ा है। ये मैंने काला जीरा लिया है, ये नॉर्मल जीरा से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, कलर में थोड़ा सा काला होता है, जो फ्रेग्रेंस होती है उससे खुशबू होती है, नॉर्मल जीरे से तेज होती है। ये मैंने 2 चम्मच सौंफ ली है, यहाँ मैंने 1 जावित्री का फूल लिया है और ये 2 पीपली ली है जो कि इजली आपको मार्केट में मिल जाती है। और ये हमारी निहारी की जान होती है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और ये निहारी में जरूर पड़ती है। ये मैंने जायफल का टुकड़ा लिया है, ये 1 जायफल का 8वां हिस्सा है, क्योंकि जायफल का फ्लेवर जो होता है बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए इसे हमें कम ही लेना है। ये 3 बड़ी इलायची ली है और 1 टेबल स्पून काली मिर्च ली है, 12 से 15 मैंने यहाँ लौंग ली है। चलिए इन सबको पीस कर एक बारीक पाउडर बना लेते हैं। ये देखिए मैंने इन सब मसालों को बारीक पीस लिया है, अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। यहाँ पे जो मैंने गोश्त लिया है वो 1 किलो बोंग का गोश्त लिया है, क्योंकि बोंग के गोश्त की निहारी बहुत ही अच्छी बनती है। अब मैं यहाँ बकरे का गोश्त ले रही हूँ, आप इसी रेसिपी को फॉलो करके बड़े की निहारी, रेड मीट की निहारी भी बना सकते हैं। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन करते हैं, जो निहारी बनती है उसमें थोड़ा तेल ज़्यादा पड़ता है। चलिए यहाँ मैं लगभग 150 ग्राम तक तेल डाल देती हूँ। यहाँ मैंने सरसों का तेल का इस्तेमाल किया है, आप जो भी तेल का इस्तेमाल करते हैं आप उस तेल को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम अपना मटन डाल देते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। हमें मटन को लगभग 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भूनना है, हमें तब तक भूनना है जब तक कि हमारे मटन का कलर चेंज ना हो जाए। इसमें इसकी फ्लेम को मैंने यहाँ पे हाई रखा है, लगभग 5 मिनट हो चुके हैं, मटन का हमारा कलर भी चेंज हो चुका है और हमारा मटन अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। यहाँ मैं 1 किलो मटन निहारी की रेसिपी बना रही हूँ तो मैं उसी के हिसाब से सारा सामान डाल रही हूँ। यहाँ मैंने 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद भी इसे हम अच्छे से भूनेंगे, लगभग 4 से 5 मिनट तक हम इसे अच्छे से भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन के पेस्ट का कच्चापन खत्म हो जाए। 3-4 मिनट हो गया है हमारे अदरक लहसुन के साथ भूनते हुए भी गोश्त को। अब इसमें हम निहारी मसाला डाल देते हैं। अगर हमारा निहारी मसाला घर में तैयार हो तो हमारे निहारी बनाना बहुत आसान का काम हो जाता है और बहुत ही जल्दी हमारी निहारी तैयार हो जाती है। और जो घर के मसालों से जो निहारी बनती है उसका टेस्ट भी एकदम लाजवाब होता है। चलिए मसाले के साथ भी इसको अच्छे से भूनते हैं, क्योंकि निहारी का गोश्त हमें ज़्यादा गलाना होता है तो इसकी बुनाई जो होती है वो बाद में नहीं होती है, इसलिए हमें अभी इसे अच्छे से भूनना है कि इसका सारा पानी एकदम खुश्क हो जाए। निहारी मसाला बनाते हुए हमने धनिया पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया था, उसे नहीं पीसा था, क्योंकि धनिया पाउडर मेनली हमारे घरों में पिसा हुआ रहता है। तो यहाँ मैं 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ और नमक भी इस्तेमाल नहीं किया था हमने। तो मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 चम्मच ही नमक भी डाल रही हूँ, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक की क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। लगभग 4-5 मिनट हो गया है, गोश्त हमारा अच्छे से भून चुका है, एकदम पानी इसका खुश्क हो चुका है। अब इसमें हम गलने का पानी डालेंगे। जो निहारी का गोश्त होता है, निहारी जो हम पकाते हैं वो लो फ्लेम पे पकाते हैं, इसलिए थोड़ा सा पानी भी ज़्यादा जाएगा इसमें। चलिए इसमें हम 2 ग्लास गलने का पानी डाल देते हैं। पानी देखिए एकदम खुश्क हो चुका है, मसाला हमारा नीचे से लगने लगा है। यह मैंने गोश्त को गलने के लिए 2 ग्लास पानी डाल दिए हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब इसे लिड लगा लेते हैं और 1 सीटी आने के बाद गैस की फ्लेम को हम लो कर लेंगे लगभग 15 से 20 मिनट तक, उसके बाद हम चेक करेंगे। आ गई है, अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देते हैं। चलिए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है और इसके प्रेशर को नेचुरली रिलीज होने देते हैं। ये देखिए कुकर का प्रेशर अपने आप रिलीज हो चुका है। अब हम ओपन करके देखते हैं कि हमारा मटन अच्छे से गला है या नहीं गला है। ये देखिए हमारा मटन बहुत अच्छे से गल चुका है, इससे ज्यादा हमें नहीं गलाना है। तो निहारी का गोश्त होता है बहुत अच्छे से गला हुआ ही होता है और हमारा अच्छे से गोश्त गल चुका है। अब हम इसके ऊपर का जो रोगन है वो निकाल लेते हैं, क्योंकि अभी इसमें हमें आलन लगाना है। आलन क्या होता है कि हम
बेसन को भूनकर या फिर आटे को भून के इसमें डालते हैं, उसे आलन कहा जाता है। चलिए ऊपर जितने भी रोगन आ रहा है उसे हम चम्मच की हेल्प से कटोरी में निकाल लेते हैं, क्योंकि जब इसमें हम आटा भून के डालेंगे सारा जो ऊपर रोगन है वो खत्म हो जाता है। जितना आसानी से निकल सके हम उतना निकाल लेना है। देखिए हमने सारा रोगन निकाल लिया है इसके ऊपर से। चलिए मैं निहारी का गोश्त साइड कर दिया है और एक फ्राई पैन ले लिया है, इसमें हम बेसन को थोड़ा सा भून के डालेंगे। आप बेसन या आटा कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ मैंने आटे का इस्तेमाल किया है। मैं लगभग 3 चम्मच आटा लिया है। इसको हमें हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है, घी वगैरह कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है और इसे हल्का ही रोस्ट करना है, बस इसका कच्चापन निकल जाए। ये मैं लो फ्लेम पे, देखिए हमारा कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है आटे का। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। चलिए हमने अब गैस की फ्लेम को दोबारा ऑन कर लिया है और जो हमने ये आटा को भुना था थोड़ा सा उसमें पानी मिक्स करके एक घोल तैयार कर लेते हैं। हमें बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं चाहिए, इसलिए हमें अच्छे से इसे मिक्स करना है। चलिए हमें एक हाथ से डालते रहेंगे और दूसरे हाथ से इसे मिक्स करते रहेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए और बिल्कुल भी इसमें लम्स ना रहे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। आपको ग्रेवी जैसी पसंद हो वैसे इसमें रख सकते हैं। मैं थोड़ा सा पानी इसमें और मिक्स कर देती हूँ। अब इसको हम अच्छे से एक बॉयल आने देते हैं, उसके बाद इसे 10 से 15 मिनट तक लो फ्लेम पे रहने देंगे। जब तक मैं इसे मैं बर्नर पे रख देती हूँ और इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। जब तक चलिए इसको एक अच्छे से बॉयल आने देते हैं। बॉयल आने के बाद से हमें 10 से 15 मिनट तक लो फ्लेम पे पकते रहने देना है। चलिए जब तक हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। चलिए हमने एक फ्राई पैन ले लिया है, इसमें हम थोड़ा तेल डाल देते हैं। तेल हमें लगभग 2 बड़े चम्मच डालना है। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देते हैं। चलिए तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम 2 चम्मच देसी घी डाल देते हैं। देसी घी डालने से हमारी निहारी बहुत टेस्टी हो जाती है। अब यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज ली है जिसे मैंने बारीक काट लिया है। इसे हम फ्राई करके निहारी में डालेंगे। इसे हमें अच्छे से गोल्डन फ्राई करना है। ये देखिए प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है, हमें ऐसे ही ब्राउन करनी है प्याज को। अब यहाँ मैंने 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ली है जिससे बहुत अच्छा कलर आता है निहारी में, ये भी हम डाल देते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपका मन करे तो आप डालिए वरना स्किप भी कर सकते हैं। गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया क्योंकि मिर्ची हमारी बहुत जल्दी जल जाती है। और यहाँ देखिए हमारी निहारी में भी बॉयल आ चुका है। अब अपना जो हम तड़का हमने तैयार किया है ये हम निहारी में डाल देते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये देखिए हमारी निहारी एकदम तैयार हो चुकी है। इसकी ग्रेवी आप अपने हिसाब से थिक या थिन कर सकते हैं। चलिए मैं इसे अब आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी निहारी एकदम तैयार हो गई है। देखने में जितनी अच्छी लग रही है उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में टेस्टी है। आप इसे पराठे के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ खाइए, बहुत ही अच्छी लगती है। चलिए जो मैंने रोगन निकाला था, तेल निकाला था, इसके निहारी के ऊपर से डाल देते हैं। इससे खाने का टेस्ट भी बढ़ जाता है और ये देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। अब इसे थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं हरी मिर्च के साथ। मिर्च अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा कुछ कर सकते हैं और थोड़े से अदरक के जूलियंस के साथ। इसे आप सर्व कीजिए नींबू के साथ, नींबू उसका टेस्ट को और बढ़ा देता है। जल्दी जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और आप जब इसे ट्राई कीजिएगा तब भी अपने कमेंट जरूर मेंशन किया कीजिए। आपके जो कमेंट्स होते हैं वो आपका प्यार होता है, मेरे लिए एक मोटिवेशन होता है। चलिए जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।